वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मालचा महल। तो आप देख सकते हैं कि मालचा महल के बारे में बताया गया है कि बहुत ज्यादा ही डरावनी जगह है और बहुत बड़ा रहस्य है वहाँ का। तो आज वहाँ जाके हम वहाँ के राज के बारे में पता लगाएंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि लोग वहाँ पे जाने के लिए डरते हैं। तो आज हमारे साथ लगिए और चलिए हमारे साथ की हमारे साथ ब्लॉग सर बने रहिए। पहली बात तो मैं निकल चुका हूँ वहाँ के ब्लॉग के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ बने रहिए। और अभी तो ऐसी व्लॉग बन रहा है, ज्यादा खास व्लॉग नहीं बन रहा है, मगर आगे जाके और भी अच्छा व्लॉग बना करेगा और आपको मजा आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक कर देना बिल्कुल कसम से भाइयों। तो गाइस हम जंगल के रास्ते में थे और कई सारे जानवर हमको देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे बंदर मिल गया और यहाँ पे गाय भैंस हर चीज थी देखने के लिए। जंगल बहुत ज्यादा ही बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि इतने भयानक जंगल में और इतने महल की खोज में हम जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे गाड़ी आ रही थी, मगर ये गाड़ी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आ रही थी। तो एक बंदर तुरंत ही तेजी में भागा, उसमें खाना काफी अंदर आ चुके हैं। आपको मैं अभी जगह दिखाने वाला हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो है एक घर जैसा है, बाथरूम जैसा लग रहा है, क्योंकि ये तरह का बाथरूम ही है। गाइज यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे रानी नहाया करती थी, उसका बाथरूम था यहाँ पे रानी का। तो गाइज आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको महल दिखाने वाला हूँ। तो काफी अंदर हम आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में आने वाला है हमारा क्या महल आने वाला है। महल की आपको छत भी दिखाने वाला हूँ, अभी आपको महल की छत दिखेगी। चार दोस्त है, जो पीछे दिख रहा है वो हरामी है और थोड़ा भाई पहली बार आ रहे हैं हम। गाइस यहाँ जंगल है बहुत बड़ा, यहाँ के डर नहीं लग रहा, यहाँ पे जानवर है। और अभी गाइस अभी यहाँ से लोमड़ी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंदर ही बैठे पड़े। जल्दी में गई वो जैसे गाइस मैं मेरा मान। गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदर आपको पाए जाएंगे, यहाँ पे बंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर भूतिया लोग कहते हैं भूतिया इलाका है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो बजरंग बली का नाम लेके आ जाना, आत्मा भटकती है इसीलिए मैं कह रहा आ जाना गाइस रास्ते मत आए। तो गाइस यार संभल के आना, क्योंकि बंदरों का भाई पता नहीं है कुछ माहौल। गाइस बड़े ध्यान से आना कि आप बंदर है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मगर आप ध्यान से आएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। गाइस यहाँ पे कई रस्ते आते हैं बाहर निकलने के, मगर एक बार जो अंदर चली गई बाहर नहीं आ पाता। फिर मंगलवार है, आज के दिन बहुत धूप है, काफी घना जंगल है। पहले और भी बड़ा जंगल हुआ करता था, मगर इसकी सड़क बना दी महल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे हम पहुँच भी सकते हैं। तो गाइस यहाँ बताया जाता है कि एक राजा हुआ करता था, और क्या हुआ था कि इसकी एक रानी भी थी। तो उसके जो राजा तो मर गया, उसके बच्चे भी मर गए, मगर रानी ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। तो यही बताया जाता है कि आत्महत्या करने के बाद वो इधर ही रह गई थी, और पता लगा है कि यहाँ पे कुएं के अंदर उसने जान दी थी। तो आपको मैं अभी कुआं भी दिखा दूंगा, कुएं में उसने बंद कर रखा है सब कुछ। गाइस एकदम पास पहुँच चुके हैं। गाइस यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको एक कंपनी से, यहाँ पे एक ऑफिस भी पड़ता है, यहाँ पर यहाँ पे एक ऑफिस भी पड़ता है, आप ध्यान से देखिए एक ऑफिस भी है। इसकी गली महल में जाने के लिए आ चुकी है गली। गाइस यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, ओ यहाँ पे लड़का लड़की आ रहे हैं, लड़का लड़की आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे लड़का लड़की आ रहे हैं, तो दिखाता हूँ आपको अभी। तो गाइस यहाँ पे आशिकों के लिए बढ़िया जगह है एकदम, मर। तो गाइस आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ महल के बारे में खूबियाँ। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए एक बार हमको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे आने के लिए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ की
तो गाइस ये तीनों को तीनों इधर ही खड़े थे एकदम महल की गली में जहाँ से महल के अंदर जाना था। इन तीनों को मैंने जाके बोला कि भाई जल्दी जल्दी महल के अंदर चलो और अपना टाइम मत खराब करो। तो इन तीनों को मैंने जल्दी जल्दी समझाया और यहाँ पे कुएं के बारे में दिखाया कि यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे कुआ है, पत्थर बहुत सारे पड़े थे। तो इन तीनों को मैंने अच्छे से समझाया। महल के आगे पहुंच चुके हैं, महल के पास एकदम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तीन लोग और आए, बंदे आए हैं गाय। तो देख सकते हैं महल एकदम हमारे ऊपर है और एकदम महल ये रहा। तो गाइस यहाँ पे कुत्ते भी रहते हैं। गाइस हम आ चुके हैं एकदम महल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे दीवार टूटी फूटी है और यहाँ की सीढ़ी देखिए, सीढ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। पुरानी सीढ़ी होने के बाद भी काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक टिकी पड़ी है और यहाँ पे कई रहस्य बंद है। तो यहाँ पे लड़का लड़कियाँ भी आते हैं और यहाँ देखिए क्या क्या लिखा पड़ा है, आई एम टॉपिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दिए भी पड़े हैं। यहाँ पे देखिए हम दिया, यहाँ पे मेरे हिसाब से रात को पूजा वूजा होती है। यहाँ पे चूहे वूहे सब पड़े हैं। काफी पुरानी दीवारों होने के बाद भी कई सारे रहस्य बंद हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे दरवाजे हैं, चूहे बहुत सारे हैं। तो चूचू अभी हम छतेंगे, नहीं काफी लगेगा। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे जो राजा थे यहाँ पे किलेबंदी कर रखी है पूरे अच्छे तरीके से। खंडर है और ये बहुत बड़ा है, यहाँ अंधेरे उजाले का कुछ नामो निशान नहीं है और ये बहुत अभी सुनसान है। भाई देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है, उस टाइम के कितने बड़े बड़े पत्थरों से बना है ये देख सकते हो आप। जैसे कि ये देखो कितने बड़े पत्थर से बना, अभी तक ये सही है, पत्थर उसका मान बड़ा मजबूत रहता है। बड़ा डर लगता है जाने में, एक नंबर जगह का गाइस यहाँ की। यहाँ पे देखिएगा कितने सारे दरवाजे हैं या सीढ़ी मान सकते हैं जहाँ से हम आ जा सकते हैं छत के ऊपर नीचे। काफ़ी बड़ा जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है कि कोई भी यहाँ पे आके खो सकता है अनजान व्यक्ति। देख सकते हैं कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक दिख जाता है, क्यों इतना ऊपर तक है ये जो महल है। राष्ट्रपति भवन आपको पूरा तरीके से दिखाता हूँ अभी मैं। गाइस आप जो आप एंटीना देख रहे हैं ये अर्थ स्टेशन का एंटीना है और ये काफ़ी बड़ा है। तो यार ये सही से कैमरे में आ जाएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा एंटीना है, कितना गहरा और कितना घना जंगल बना हुआ है कि दूर दूर तक यहाँ से मतलब एक तरह से हम पूरे सेंटर में आ चुके हैं जंगल के और पूरे सेंटर में यही महल हमको जो है मिला। यहाँ पे पूरे के पूरे छः दरवाजे हैं, छः दरवाजे आपको दिखाता हूँ मैं अभी के अभी। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है आपको दिख रहा होगा, था दिख गया होगा छः दरवाजे। एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला दरवाज़ा ये हो गया, ठीक है, पहला दरवाज़ा आपने देख लिया। अब है हमारा भाई सेकंड दरवाज़ा, हमारा ये है दूसरा दरवाज़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा दरवाज़ा। फ़ोटो वीडियो अच्छी नहीं आ रही होगी मुझे पता है, ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं है मेरा कैमरा, मगर जब भी है मगर बहुत अच्छा कैमरा है। अब ये देखिए ये है हमारा तीसरा दरवाज़ा, महल के अंदर जो जाने का है तीसरा दरवाज़ा, ऊपर आने का तीसरा दरवाज़ा। दिखाने के बाद यह है भाई हमारा चौथा दरवाज़ा। ये चौथा दरवाज़ा है हमारा, चौथा दरवाज़ा दिखाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं पांचवा दरवाज़ा। ये देखिए हल्का तो टूट सा गया, लगता है किसने तोड़ दिया या टूट गया अपने आप। ये बहुत पुराना दरवाज़ा है, ये तो टूट चुका है हल्का हल्का, देख सकते हैं आप। तो देखिए पूरा दरवाज़ा, ये आखिरी आपको मैं दरवाज़ा आप दिखाता हूँ, तो बने रहिए। आखिरी दरवाज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, यह है हमारा
छठा दरवाज़ा, ये हमारा छठा दरवाज़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा सीधे कि आँखों में धूप पड़ रही है। और ये पूरा छठा दरवाज़ा देख सकते हो ऊपर आने का। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही आज की कमाल हो चुकी है, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो नहीं बनता जल्दी मेरे से। तो जो भी वीडियो बन रही है यार, लाइक कर देना उसको, कमेंट भी करना और शेयर भी कर देना। इस बार मैं करीबन 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ। वही हमारे साथ तीन बंदे भी आए पड़े हैं इसी जगह का व्लॉग बनाने के लिए। इतने ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं है मेरे हिसाब से, अगर खतरनाक जानवर होते तो आपको मैं पक्का दिखाता, मगर जितना भी मैंने यहाँ पे घूमा और फिरा और यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ का पता जो है मैं आपको अपने लिंक में दे दूँगा, मतलब यूट्यूब चैनल के लिंक में डाल दूँगा। और वहाँ से आप जितने भी लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरी जो जितनी फैमिली है यूट्यूब पर, आप यहाँ पे आप आके देख सकते हैं और यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे आना है और आपको यहाँ पे कैसा लगा आना। गाइस आप ये देख सकते हैं कितना पुराना सरिया है ये, और ये काफ़ी मतलब राजा के ज़माने का सरिया है और इसमें लगा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भारी सरिया लग रहा है, जंग खा चुका है मगर इतना भी जंग खा नहीं चुका है, मगर आज के लोहे की तरह नहीं है ये सरिया। तो हम इसको इस जगह पे रख देते हैं कि जिससे यार ये खोए ना और इसी जगह पे मिल जाए बंदे को, व्यक्ति को, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्टी वार्टी कर लिया, देख सकते हैं कि तगड़ी धूप पड़ रही है। ये दोनों भी है, तीनों भी आए पड़े हैं यहाँ पे। देखो फुल कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक चल रही है। आप भी यहाँ पर आना तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक पीना और जूस पीना, क्योंकि गर्मी में पीने में अलग ही स्वाद है, मजा तो खट्टे में ही है ना गाइस। ऐसे कोल्ड ड्रिंक में जा रहा हूँ, आप जलना मत मेरे से। गोल गोल दिखा दे सबसे नीचे का, ये बैठते धूप हो रही है। तो गाइस ऐसे हम पीते रहते हैं एक साथ। गाइस यहाँ पे बहुत सारी जानकारी वाली आपको चीज़ें मिल गई होंगी, क्या दिखा दी होगी मैंने, जितने भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई है। तो आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये अपनी राजाओं ने अपनी बंदूक टिकाने के लिए बनाया होगा, कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा या युद्ध होगा तो उसमें यहाँ से बंदूक या तोप लगा के वो युद्ध की तैयारी या युद्ध कर सकते हैं। तो हमारे व्लॉग को अगर आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो गाइस कमेंट में लिख देना कि भाई एक नंबर लगा व्लॉग, एक नंबर लिख देना भाई, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इतने बड़े बड़े जंगलों में हम आते हैं आपके लिए आते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी मिले और आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम चले। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ का टीला यहाँ पर अंदर आ चुका है, ये एकदम महल के अंदर से आ चुका है। इतना अच्छा आपको लगा हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं और यहाँ पे कई सारे पेड़ उगते हैं। यहाँ पे पुरानी पुराने पत्थर हैं जो भारी भारी हैं। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से और कितने तकलीफ़ों से इस महल को बनाया गया होगा उस ज़माने में, क्योंकि इस ज़माने में तो चलो भाई पेड़ पौधे ऐसे कम लग रहे हैं, मगर है पेड़ पौधे हैं, मगर इतने भी नहीं है कि बंदा आना जा सके। मगर उस ज़माने में कितनी तकलीफ़ों से राजा ने बनाया होगा, ये आपको जानना चाहिए हमारे भारत के बारे में, क्या इस मालचा महल के बारे में। अरे नीचे की आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अपने महल के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ऊपर का आपको सारा व्यू दिखा दिया, आपको अब नीचे का दिखाते हैं। हम नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं अंधेरा है गाइस, यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, डर तो लगता है क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ भी रहते हैं। यहाँ पत्थर भी है, यहाँ पे जानवर भी रहते हैं। गाइस आप देख सकते हैं नीचे लोगों ने कचरा मचा रखा है। पर ये क्या लड़की फेंक रही है यहाँ पे, आ लग गई गाइस। चलो गाइस महल की पीछे की ओर चलते हैं। अब हम आपको नीचे एकदम इधर आ, जल्दी आ कैमरामैन। महल के पीछे आ चुके हैं गाइस, ये हमारा कैमरामैन थोड़ा आलसी टाइप का है। बहुत मजे आ रहे हैं गाइस आज के दिन, क्योंकि वैसे मैं कैसा भी हूँ मगर आपका भाई हूँ, भाई समझ के लाइक कर देना अपने भाई को। इतना तगड़ा व्लॉग बन रहा है आज कि आप देखे हैरान हो जाएंगे और इतना खुश हो जाएंगे। आप भाई को फोटो खींचने का बड़ा शौक है, बड़ी सी दीवार बन रखी है यहाँ पे। यहाँ की जो प्रकृति है बहुत ज्यादा ही सुंदर है, मगर आप लोग बेकार करेंगे जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कूड़ा वूड़ा फैलाया गया है यहाँ पे। तो गाइस कभी हमको मौका मिला, अगर हम टाइम होगा तो हम पक्का यहाँ की जो है गंदगी साफ करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ से हम निकल चुके हैं काफ़ी आगे तक, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारे से भाई लोग हैं,
जा रहे हैं हम यहाँ से। महल काफी बड़ा है, महल इतना भी बड़ा नहीं था मगर मतलब मजा तो आया। देखो गाइस मजा बहुत आया। हम जा रहे हैं महल की, महल से घर जा रहे हैं, महल के सीधा घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम हमारा बीत चुका है और हमने आपको काफी सारी जानकारी दे दी है जिससे आपको काफी मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो इस कमेंट में लिख देना कि सर बहुत मजा आया, थैंक यू। तो गाइस हम जा रहे हैं आपको अपने घर की तरफ, तो हम लोग रस्ते में ही है। गाइस आपको मजा आया, ठोक के लाइक करो, ठोक के कमेंट करो, सब्सक्राइब। ये भाई ने बताया था एक क्या है, रूम है यहाँ पे खाली, रूम नहीं भाई महल है वो, ऐसा मत बोल यार, रूम है, बंदा गलत समझेंगे। समझ रहे हो ना, फिर ऐसे लोग बुक कर देते हैं। आप देख सकते हैं नहाने के लिए बाथटब भी लग रहा है। ये राजाओं के समय से चलता आ रहा टब, राजा रानी इसमें नहाया वाया करते होंगे, पता नहीं मुझे, इतना मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहे हम, मगर अभी तक टूटा नहीं है। ये बड़ी शंका हो रही दिमाग के अंदर, इसकी शंका होती रहती है। आप भी ऐसे, हम जागरूक आदमी है, हम लोग हर चीज के बारे में जानकारी देते हैं, हमको बताइए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, अपडेट करते हैं। तो गाइस हमने सोचा कि अगर यहाँ पर आए तो पूरी यहाँ की अच्छे से जानकारी आपको दे, हम डिटेल में कौन सा रूम है, कौन सा कुआ है, कौन सा घर है, कौन सा महल है, हम आपको पेड़ पौधे जानवरों के बारे में बताए, अच्छी अच्छी जानकारी। गाइस यहाँ की रक्षा यहाँ के बंदर और यहाँ के जानवर करते हैं, हम आपको पूरे चारों तरफ स्कैन करेंगे, स्कैन पूरा चारों तरफ से, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। बंदर जैसे कि आप देख सकते हो, घर की रखवाली दो बंदर कर रहे हैं जी, रूम है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मालचा महल की, तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और अगला व्लॉग आएगा बाद में, तो जब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी बुरी चीज़ लगी हो तो कमेंट में लिखना, हम उसमें सुधार करेंगे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आपका।